नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी जिंदगी में। तो आज आइए, फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि आजकल डिप्रेशन, चिंता, तनाव इस तरीके से लोगों को घेरा हुआ है कि आजकल बुजुर्ग क्या, जो कम उम्र के बच्चे हैं, भाई बहन हैं हमारे, उनको ये तनाव, चिंता, डिप्रेशन बहुत ज्यादा घेरे हुए है। तो इस तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कैसे हमें दूर करना है, तो आज मैं उसके बारे में कुछ हर्ष मुद्रा, योगा, प्राणायाम, इनके माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि आप इसको, डिप्रेशन को, क्योंकि डिप्रेशन और चिंता ये अलग अलग है। आपको अगर चिंता है तो चिंता का मतलब ये हुआ कि आपका बच्चा अगर बाहर गया हुआ है तो जब वो वापस हंसी खुशी वापस घर आ जाता है तो आपकी चिंता खत्म हो जाया करती है। तो ये कुछ देर के लिए होती है, पर अगर आपके अंदर डिप्रेशन है, डिप्रेशन ये दो है शब्द एक ही, पर जब ये डिप्रेशन हो जाता है तो ये काफी दिनों तक चलता है। तो उस डिप्रेशन से निकलने के लिए ये कुछ हस्त्र मुद्राएं हैं, कुछ योगा प्राणायाम, तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, चाहे वो कुर्सी में बैठ के कर लें, चाहे आप अपने पलंग में बैठ करके कर लें, या कैसे भी करें, अपने गार्डन में करें, बाहर घूम फिर करके करें। पर अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है, घर में अगर करना है आपको या बाहर करना है, तो सबसे पहले तो ये सुखासन में बैठ जाना है, वज्रासन है, पद्मासन है, आप किसी में बैठ जाइए, जिस तरीके से भी आपको बैठना सुविधा लगे तो आप उस प्रकार से बैठ जाइए। बैठने के बाद क्या करना है, हस्त्र मुद्रा के लिए आपको क्या करना है कि आप बैठिए। सबसे पहला तो ये है कि आप सुबह सुबह जब भी जगें तो जगते ही भगवान का धन्यवाद करें। जिस आप मजहब से हैं, आप अपने गॉड का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आज हमने फिर आपकी आज्ञा अनुसार और आपकी दया के अनुसार हम आज का सुबह का सूरज देखने के लिए जो हमें मिल रहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले करें। फिर इसके बाद ये हाथ आप थोड़ी देर मल लें, और हाथ को मलने के बाद आप अपने चेहरे में लगाएं। ये सुबह सुबह का काम है, ये मले और दो तीन बार लगाएं ये दो तीन बार। और ये जब ऐसे हाथ लगाते हैं तो आपके जो चेहरे में है, तो जो इसकी नसें होती हैं, तो इनका ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो हुआ करता है। और इसके बाद आप बैठिए, आप सुखासन में, पद्मासन में, जैसा भी आप बैठ सकते हैं, जो भी आपको, वज्रासन में, जो भी आपको सुविधाजनक लगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये हाथ को इस तरीके से कर लीजिए, देख लीजिए आप ये। और इसके बाद को क्या करना है कि इसको ये देख लीजिए, तीन आंगुलियों को आपको फांसना है ये इस तरीके से। और इसके बाद क्या करना, इसकी ये मुट्ठी ये बंद करना ऐसे, इस प्रकार से ये। और ये दोनों उंगलियां, ये वाली इनको आपस में ज्वाइंट करना है, ये देख लीजिए, ये इनको तो बंद कर लीजिए इस तरीके से, और इसको ये कर लीजिए। और इसके बाद ये अंगूठे को देख लीजिए, अंगूठा, ये अंगूठे को आप इस तरीके से दबा लीजिए, ये केवल पॉइंट रहना चाहिए। और इसको क्या करना है कि इसको ले लीजिए और थोड़ा सा इसमें प्रेशर डालिए, थोड़ा सा दबाव डालिए, और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद करने के बाद आपको अपने नाभि के पास लाना है इसको, ये इस प्रकार से नाभि के पास लाइए, ये नाभि के पास लाइए, ये नाभि के पास लाइए। ये हस्त्र मुद्रा है,
इसको हम लोग हस्र मुद्रा कहते हैं। और आप जिस समय कर रहे होंगे तो सांस भी लेते जाना, आप अंदर बाहर सांस भी करते जाइए और अपने मन में सोचिए कि मेरी कोई चिंता नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो आप देखेंगे कि आपका तनाव कम होगा, आपके सिर का जो थोड़ा मीठा मीठा दर्द होता है तो वो कम होगा। तो आप इसको जरूर करें, ये हस्र मुद्रा को ये जरूर करें। इसके बाद आपको क्या करना है कि आराम से बैठिए और इसके बाद ये आप देख लीजिए, ये बैठ जाइए, ये दोनों अंगुलियों को मिला लीजिए ये, और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको श्वास भरना है, लंबी श्वास भरना है। तो आप श्वास भरिए और आप निकालिए जितना भी आपसे बन सके, 5, 10, 15, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज्यादा करिए। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, भ्रामरी, भ्रामरी। तो भ्रामरी को करने के लिए जिस प्रकार से भौंरा गुंजन करता है इसी प्रकार से आपको गुंजन करना है। तो आपको सांस भरना है, इस प्रकार से आपको करना है। साथ में आप जो है कान में अंगुली लगा करके भी कर सकते हैं। तो आप कान में अगर अंगुली लगाते हैं इस प्रकार से तो क्या करना है, कान में लगाने का मतलब यह हुआ करता है कि बाहरी आवाज हमारे अंदर ना जाए, जो हम भ्रामरी कर रहे हैं तो उसका पूर्णतः लाभ मिले। और आपके सिर में बहुत ठंडक पहुंचती है, बहुत आराम लगता है, तो आप भ्रामरी को जरूर करें। भ्रामरी और आप डिप्रेशन और चिंता ये सब आपकी दूर हो जाएंगी। तो आप अवश्य सुबह सुबह, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा देर तक चलता है, तनाव काफी देर तक चलता है, पर आपकी जो चिंता हुआ करती है तो कुछ देर के लिए हुआ करती है। जब बच्चे वगैरह या कोई भी सदस्य है तो वो आ जाता है, मान लीजिए व्यापार में कोई घाटा लगा और जैसे व्यापार में लाभ हुआ तो आपको जो है ये चिंताएं खत्म हो जाएंगी। पर जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है जिससे फिर रात में नींद नहीं आती है, आपके सिर दर्द, तरह तरह की बीमारियां घेरने लग जाती हैं, तो डिप्रेशन से बचने के लिए जरूर करें, जरूर करें, मुद्रा करें, प्राणायाम करें, योगा अभ्यास करें, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें और शाम को खाना खाने के बाद जरूर करें। और घर में बैठे बैठे आप आराम से अपनी चारपाई में भी कर सकते हैं, तो आप इनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास किया करें। आप अपने शरीर को गतिमान करें, अच्छा भोजन करें, अच्छा पानी लें, अच्छे पेय पदार्थ लें, आप ठंडा से बचें, आप बाजार के भोजन से बचें, तो आप देखेंगे कि आपकी डिप्रेशन और चिंता ये कहीं नहीं रहेगी। आप खुश रहें, परिवार के साथ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप भूल जाइए। बस शायद अपने मन में ये सोचना है और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही हमारा। और कोई भी जानकारी लेना हो तो हमारा मोबाइल के स्क्रीन में मेरा नंबर चल रहा है, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और प्रतिदिन हमारी 1 बजे वीडियो आती है, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि प्रतिदिन आपको देखने के लिए वीडियो मिला करेगी। जब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, जय सियाराम।